आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी 58 में स्वागत है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम स्माइल 30 प्रोजेक्ट के अंदर जो ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है उसके अंदर कक्षा 12 इतिहास विषय के अध्याय संख्या 3 बंधुत्व जातीय वर्ग आरंभ समाज के जो टॉपिक संख्या सामाजिक विषमताओं की व्याख्या उसके 5 प्रश्न का हल करेंगे। ये प्रश्न अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार भी जो आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के अंदर जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रहने वाली है, तो इन प्रश्नों का बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, जिसमें ये अति लघुतम टाइप के क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं या रिक्त स्थान वाले उस टाइप में भी आपके पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है कि सुतपिटक नामक जो ग्रंथ है किस धर्म से संबंधित है, आपको पूरा आंसर लिखना कि सुतपिटक नामक जो ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित। ऐसे आपको पूरा किस धर्म का, तो आपको लिखना सुतपिटक नामक ग्रंथ, ये किस हटा देना है और यहाँ पर लिखना है बौद्ध धर्म का है। अब देखो बौद्ध धर्म में 3 पिटक माने गए, कितने, जो बौद्ध धर्म के जो मुख्य धार्मिक ग्रंथ है उसे त्रिपिटक के नाम से जानते हैं हम, उसमें 3 पिटक है। उसमें सबसे पहला है सुतपिटक, फिर अभिधम्म पिटक है और उसके बाद विनय पिटक है। तो ये बौद्ध धर्म के जो 3 पिटक है जिसमें सुतपिटक सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें जो महात्मा बुद्ध है उसके जो दार्शनिक विचार है उन दार्शनिक विचारों का विवेचन मिलता है। तो आप ध्यान देना सुतपिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला दूसरे क्वेश्चन, आख्यान किसका संग्रह है, तो आपको यहाँ किसका पूछा प्रश्नवाचक ये हटा लेना है अब, और यहाँ पर लिखना कि आख्यान क्या है, कहानियों का संग्रह। यहाँ पर लिखना आख्यान में कहानियों का संग्रह है, ठीक है। तो ये इतना ही लिखना है। देखो यहाँ पर किसको किस हटा लेना, किसकी जगह लिखना है कहानियाँ, क्या लिखना है कहानियाँ, तो आख्यान में कहानियों, फिर का संग्रह तो आगे आ ही गया। मैं यहाँ से दोबारा आपको बता लेता हूँ कि जैसे आप इसको हटाओगे ना, तो यहाँ पर देखो किस लिखा, इतना ही हटाना, ये किस वाला कि आख्यान में और यहाँ किसकी जगह लिख देना है कहानियों, कहानियों का संग्रह होता है। अब देखो ये है क्या आख्यान, जब हम महाभारत पढ़ते हैं जो हमारा महाकाव्य बड़ा ही महत्वपूर्ण जो महाकाव्य है महाभारत, तो महाभारत महाकाव्य जब हम देखते हैं तो इसकी जो विषय वस्तु है इसकी विषय वस्तु को मुख्य रूप से हम 2 शीर्षकों के अंदर बांटते हैं, जिसमें एक शीर्षक आपके आख्यान है और जबकि जो दूसरा इसका जो शीर्षक है वो शीर्षक कौन सा, एक तो आख्यान हो गया, दूसरा है उपनिदेशात्मक, ठीक है। तो आख्यान इसमें प्राचीनतम शीर्षक है, इसको थोड़ा मैं झूम कर लेता हूँ ताकि आपको ये दिख जाए। अगला जो तीसरा है, श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ देते हैं, तो कहाँ आपको हटा लेना और कहाँ की जगह आपको लिखना, बाकी क्वेश्चन को रिपीट करना है और यहाँ लिखना है कि कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कहाँ पर देते उपदेश, कुरुक्षेत्र की जो युद्ध भूमि है वहाँ पर देते, यानी जो महाभारत का युद्ध होता है उस महाभारत के युद्ध के अंदर, जो महाभारत का युद्ध मुख्य रूप से कुरुक्षेत्र जो वर्तमान हरियाणा के अंदर आया हुआ है, तो वहाँ पर वो क्या देते, युद्ध की भूमि के अंदर युद्ध प्रारंभ होने से पहले के समय वो श्री कृष्ण को इसका क्या देते हैं, उपदेश देते हैं। अगला जो चौथा क्वेश्चन है कि महाभारत का फारसी अनुवाद किस काल में हुआ, तो आपको किस हटा लेना है और यहाँ पर काल लिखना, किस काल हटा दो या किस काल भी ले, पूरा भी हटा सकते हो या फिर किसको हटा कर यहाँ लिख देना कि महाभारत का फारसी अनुवाद 1740 और 50 के काल में हुआ, ऐसा लिख सकते हो के काल में हुआ था, ठीक है। अगला हम देखेंगे अंतिम क्वेश्चन है पांचवा कि साहित्यिक परंपरा के अनुसार महाभारत के रचयिता कौन थे, तो कौन हटा लेना और इसकी जगह लिखना कि साहित्यिक परंपरा के अनुसार महाभारत के रचयिता वेद व्यास, ठीक है। और फिर थे तो पीछे आ जाएगा, वेद व्यास थे, ठीक है। अब देखो इसमें मुख्य था क्या, जो महाभारत का वैसे रचयिता या उसका लेखक जो वेद व्यास को माना जाता, तो इसमें क्या किया था, जो वेद व्यास बोलते थे और श्री गणेश जी उसको लिखते थे, यानी गणेश जी द्वारा ये लिखी थे, तो इसमें ये शर्त यही थी, गणेश जी इसलिए लिखने को तैयार हुए थे, वेद व्यास जी को कहा कि आप रुकोगे नहीं, आप निरंतर क्या करते रहोगे, बोलते रहोगे, ठीक है। तो इसमें इसी का रचयिता वेद व्यास जी को कहा गया, क्योंकि बोल तो वो रहे थे जबकि लिखने का काम श्री गणेश जी कर रहे थे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।